आज हम कंप्यूटेशनल ग्रामर के ऊपर सेशंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जनरली देखा था कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स क्या होती है और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की में हमें क्या क्या चीज़ों का ब्रीफ ओवरव्यू ले लेना चाहिए। उस वक्त हमने ये कहा था कि कंप्यूटेशनल ग्रामर क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसलिए हम इसके लिए एक अलहदा सीरीज ऑफ सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आज से हम वो शुरू कर रहे हैं। इरादा है कि 5-6 सेशंस हो जाएं जिसमें कंप्यूटेशनल ग्रामर देखें, और कंप्यूटेशनल ग्रामर में खास तौर पे फोकस दो चीज़ों पर है। एक तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज पर। यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज की पे फोकस होने की वजह ये है कि इस वक्त कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस बनाने के लिए यही डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया है। यानी अगर आपको सिंटेक्स एनालिसिस करना है तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज के थ्रू ही सिंटेक्स एनालिसिस हो रहा है इस वक्त कंप्यूटर साइंस में। तो उस पर हमें देखना है क्योंकि हमें उर्दू के लिए और दूसरी पाकिस्तानी लैंग्वेज के लिए रिसोर्सेज बनाने हैं तो हम किस तरह से बना सकें। दूसरा हमारा फोकस जाहिर है पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में है, तो उर्दू पर के फोकस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस तरह से चलेंगे कि बाकी लैंग्वेजेस जो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस है, सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, उनको भी कवर किया जा सके। यानी उर्दू के जो रूल सीखे उन्हें उसे बाकी लैंग्वेजेस पे भी अप्लाई कर सके। तो ये कंप्यूटेशनल ग्रामर एक बहुत बड़ी फील्ड है। शायद हम उसका 20% हिस्से को ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो 20% फोकस करने का मकसद एक तो ये है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस बन सकें और उसका जो आजकल डिफेक्टो स्टैंडर्ड है उसको हम स्टडी करें, और दूसरा पाकिस्तानी लैंग्वेजेस पे क्योंकि काम कम हुआ है तो हम उसको उनको फोकस करें और बात करें। वरना कंप्यूटेशनल ग्रामर में चॉम्स्कियन फ्रेमवर्क्स, गवर्नमेंट बाइंडिंग थ्योरी, एक्स बार थ्योरी वगैरह पे बहुत काम हुआ है, उन सबको हम स्किप कर जाएंगे क्योंकि वो काम ऐसा है जो इम्प्लीमेंटेशन में, कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल नहीं होता। तो अभी इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप लोगों की स्क्रीन तो नजर आ रही है। सिंटेक्स रिप्रेजेंटेशन के मल्टीपल तरीके हैं। एनालिसिस, जब भी हम लैंग्वेज को एनालाइज करने जा रहे होते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप टोकनाइजेशन होता है, जिसमें स्ट्रिंग्स को, सेंटेंसेस को वर्ड्स में तोड़ देते हैं। सेकंड होता है उसका लेक्सिकल एनालिसिस, हम बताते हैं उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसके लेक्सिकल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, नाउन है या वर्ब है, और अगर नाउन है तो वो किस टाइप का नाउन, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो पहले लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सिंटेक्स एनालिसिस, कि हम पूरे सेंटेंस को देखकर या एक चंक ऑफ टेक्स्ट को देखकर हम उसके बारे में बताएं कि उनमें, उसके डिफरेंट वर्ड्स में आपस में क्या रिलेशन है। सेंटेक्स रिप्रेजेंटेशन के मल्टीपल तरीके हैं। एक फ्रेज स्ट्रक्चर बहुत मशहूर है, दूसरा डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर, और तीसरा जो लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर, जो जिसमें फ्रेज स्ट्रक्चर और डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर और डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। फ्रेज स्ट्रक्चर्स अगर आप लेफ्ट पे देखें तो ये फ्रेज स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। मेरे पास एक सेंटेंस है, जॉन एट द केक। उसको रिप्रेजेंट करना, उसके डिफरेंट फॉर्म्स मालूम करना। अच्छा, इससे पहले, सिंटेक्स एनालिसिस से पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है, वो आपको ये बता देता है कि जॉन इज अ नाउन, इट इज अ प्रॉपर नाउन, एट इज अ वर्ब, द इज अ आर्टिकल और डिटरमाइनर, एंड केक इज अ नाउन, एंड इट इज अ कॉमन नाउन, कॉमन सिंगुलर नाउन। उसके बाद जॉन जो है वो एक नाउन फ्रेज है, एट द केक एक वर्ब फ्रेज है, और द केक फिर एक नाउन फ्रेज है। तो हम सेंटेंस को डिफरेंट फ्रेजेस में बांट देते हैं और उन फ्रेजेस से मिलकर सेंटेंस बनता है। उसके मुकाबले में डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर फ्रेजेस सेंटेंस के चंक्स नहीं बना के उन्हें फ्रेज नहीं बनाता, बल्कि वर्ड्स के दरमियान रिलेशन बताता है। वो ये कहता है कि इस सेंटेंस का रूट एट है, एट का सब्जेक्ट जॉन है और एट का ऑब्जेक्ट केक है।
तो ये वर्ड्स के दरमियान में रिलेशन बताता है, जबकि फ्रेज स्ट्रक्चर कोशिश करता है कि वर्ड्स के चंक्स को डिटरमिन करे। और इन दोनों, एक तरह से लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे इसमें, उसकी खास बात यह है कि वो इन दोनों चीजों को डील कर रही होती है दो अलग लेवल्स पर। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है जिसे सी स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें हम एक तरह से फ्रेज स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं कि हम हमारा जो सेंटेंस है उसका फ्रेज स्ट्रक्चर ये है, और इस फ्रेज स्ट्रक्चर को यूज करते हुए उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर बताया जाता है कि इसका मकसद ये था कि बिल्ली मेज के ऊपर है, पे में सब्जेक्ट बिल्ली है और प्रेडिकेट जो है वो होना या बी वर्ब है। तो लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर में ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं कि फ्रेज स्ट्रक्चर पे भी बात हो रही होती है और एक डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स तो नहीं, लेकिन हम ग्रामेटिकल फंक्शंस मालूम करते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल फंक्शंस मौजूद हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर पे। फ्रेज स्ट्रक्चर बहुत पे बहुत काम हुआ है, एक सेमेस्टर का कोर्स भी इसके लिए ना काफी होगा तो। लेकिन जनरली स्पीकिंग इसका एक बहुत, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, इस 4-5 स्लाइड्स में इसका इंट्रोडक्शन के फ्रेज स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेज स्ट्रक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कंस्टिट्यूएंसी, के कौन से वर्ड्स का चंक मिलकर एक फ्रेज बना रहा है। सेंटेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रेजेस में। चॉम्स्की ने ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जब आइडिया दिया तो वहां से फिर ये बात शुरू हुई कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो में आप किसी भी लैंग्वेज को, और लैंग्वेज में ह्यूमन लैंग्वेजेस भी शामिल हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस भी शामिल हैं और मुख्तलिफ पैटर्न्स भी शामिल हैं जिसे हम लैंग्वेज कह सकते हैं, उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में डिफरेंट फ्रेजेस मौजूद होते हैं। तो वर्ड्स नॉर्मली ग्रुप टुगेदर इंटू फ्रेजेस, फ्रेजेस ग्रुप टुगेदर टू गिव लार्जर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। अब ये कि फ्रेजेस हमें किस तरह से पता चलता है कि कौन सी चीज फ्रेज है और कौन सी चीज फ्रेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यही वाली हमने जो एग्जाम्पल देखी थी, जॉन एट द केक, उसमें जॉन नाउन फ्रेज है और द केक नाउन फ्रेज है, लेकिन खाली केक, ये जॉन एट कोई फ्रेज नहीं है या एट द जो है वो कोई फ्रेज नहीं है। तो हमें किस तरह से पता चला, द केक तो फ्रेज है लेकिन एट एंड द फ्रेज नहीं है और जॉन एट फ्रेज नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए कुछ ह्यूरिस्टिक्स हैं, यानी रूल्स नहीं हैं लेकिन कुछ तरीके हैं, जिस ट्रिक्स कह लें, तरकीबें कह लें, तो उन ह्यूरिस्टिक्स के जरिए हम फ्रेजेस मालूम कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एक फ्रेज है या फ्रेज नहीं है। तो एक दो ह्यूरिस्टिक्स हैं, एक है सिंपल सिमिलर सिंटेक्टिक एनवायरनमेंट और दूसरी है मूवमेंट। सिमिलर सिंटैक्टिक एनवायरनमेंट के कोई भी फ्रेज ऐसा होगा जो एक साथ इस्तेमाल हो रहा हो, यानी एक फ्रेजेस यहाँ पे आप देखें सिट्स लिखा हुआ है और सिट्स से पहले जो भी चीजें आ रही हैं वो एक फ्रेज बन सकती है। ही सिट्स तो ही नाउन फ्रेज है, द बॉय सिट्स, ही की जगह हमने रिप्लेस कर दिया द बॉय, और सेंटेंस ग्रामेटिकल रहा तो द बॉय और ही दोनों एक ही तरह के फ्रेज हैं जिसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। फिर द नॉटी नॉटी बॉय, तो ही को या द बॉय को हम रिप्लेस कर सकते हैं द नॉटी बॉय से, द नॉटी बॉय सेट्स, ये भी ग्रामेटिकल है तो इसका मतलब है नॉटी, द नॉटी बॉय और ही जो है तो एक ही तरह के फ्रेज हैं जिसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। फिर द थ्री यंग मैन सेट्स सेट, तो ये भी रिप्लेस हो सकता है, तो इस वजह से ही द बॉय द नॉटी बॉय द थ्री यंग मैन ये सब नाउन फ्रेज है। कौन सी चीज नाउन फ्रेज नहीं है, दा सिट हम नहीं कह सकते इसलिए दा नाउन फ्रेज नहीं है, थ्री सिट हम नहीं कह सकते इसलिए थ्री नाउन फ्रेज नहीं है। तो जस्ट एक कि कौन सी चीज नाउन फ्रेज है, हमने नाउन फ्रेज एक डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल दा बॉय नाउन फ्रेज है। अब दा बॉय को जो भी रिप्लेस कर सकता है डिफरेंट सेंटेंसेज में वो सारी चीजें नाउन फ्रेजेस होंगी। सिट्स एक वर्ब फ्रेज है, अब सिट्स को फॉर एग्जाम्पल रीड्स रिप्लेस कर सकता है तो रीड्स भी नाउन फ्रेज है, अगर रन्स रिप्लेस कर सकता है तो रन्स भी वर्ब फ्रेज है, अगर रीड्स रिप्लेस कर सकता है तो वो भी वर्ब फ्रेज है,
तो हम एक रिप्लेसमेंट रूल हो जाता है, जो चीजें एक दूसरे से रिप्लेस हो सकती हैं वो एक तरह का फ्रेज है। दूसरी चीज मूवमेंट है कि जो चंक ऑफ वर्ड्स एक साथ मूव हो सकते हैं वो एक फ्रेज है। जैसे आई एम मीटिंग विद द नाइस ओल्ड मैन, अब इसमें विद द नाइस ओल्ड मैन एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्लेम हमने कर दिया। इस क्लेम का सबूत क्या है? इस क्लेम का सबूत यह है कि विद द नाइस ओल्ड मैन को इस सेंटेंस में मैं उठा के किसी और जगह मूव कर सकता हूँ एक साथ। विद द नाइस ओल्ड मैन आई एम मीटिंग, ये हो सकता है। लेकिन विद आई एम मीटिंग द नाइस ओल्ड मैन ये नहीं हो सकता। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर विद द नाइस ओल्ड मैन पूरा का पूरा उठ के जा सकता है, लेकिन इसके चंक्स उठ के नहीं जा सकते। खाली विद द उठ के कहीं और नहीं जा सकता, या विद द नाइस उठ के कहीं और नहीं जा सकता। तो दूसरी प्रॉपर्टी फ्रेज की ये होती है, और ये भी ह्यूरिस्टिक है, ये भी ट्रिक्स या तरकीबें हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कि हम पूरे के पूरे फ्रेज को एक साथ मूव कर सकते हैं। तो जब ग्रामर बनाने बैठते हैं तो इनकी बेसिस पर हम फैसला कर देते हैं कि कौन सी चीज फ्रेज है और कौन सी चीज फ्रेज नहीं है। अच्छा, फ्रेज जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली वो नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये तीन फ्रेजेस आमतौर पे कंप्यूटेशनल ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक्स बार थ्योरी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि एक्स बार थ्योरी एक खास तरीके से बाइनरी ट्री बनाती है और उसमें स्पेसिफायर वगैरह पूरा उसमें रिप्रेजेंट करने का एक इससे ज़्यादा बड़ा निज़ाम मौजूद है। कंप्यूटेशनल ग्रामर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते और कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर्स ये हैं, एक एग्जांपल और देख लें फ्रेज स्ट्रक्चर की। एक बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। फ्रेज स्ट्रक्चर में द ब्राउन फॉक्स इज क्विक, पहला सेंटेंस ये है। तो द ब्राउन फॉक्स इज नाउन फ्रेज, इनके ऊपर द के ऊपर जो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखी हुई है कि डिटरमाइनर है, ब्राउन के ऊपर उसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखी हुई है कि वह एडजेक्टिव है, फॉक्स नाउन है, और ये तीनों मिलकर नाउन फ्रेज बनाते हैं। तो वर्ब फ्रेज क्या है? इज क्विक, एक सेंटेंस ये हो गया। ये सेंटेंस कंजंक्शन में है दूसरे सेंटेंस के साथ। दूसरा सेंटेंस का नाउन फ्रेज क्या है? ही इज अ नाउन फ्रेज। और वर्ब फ्रेज इज जंपिंग ओवर द लेजी डॉग, ये पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज है। अच्छा, वर्ब फ्रेज में इज जंपिंग तो है ही, और उसके साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज ओवर द लेजी डॉग, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और नाउन फ्रेज क्या है? द लेजी डॉग। तो हम रिकर्सिवली एक फ्रेज स्ट्रक्चर जो है, नाउन सेंटेंस के अंदर वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज के अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर नाउन फ्रेज है, इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए इनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी होती है, जो चीज़ मैंने स्किप कर दी थी, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली, क्योंकि अगर हम फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर पढ़ रहे होते ज़्यादा डिटेल में तो फिर हम उस पर जाते, वरना भी इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में, सिर्फ हम आउटपुट देख रहे हैं, वरना इसके लिए इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाई जाती है। तो ये फ्रेज स्ट्रक्चर का मुख्तसर तारुफ था कि हम सेंटेंसेस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर फॉर्म में। दूसरा, दूसरी जो चीज है फिर आती है डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर। तो फ्रेज स्ट्रक्चर में कंप्यूटेशन में क्या प्रॉब्लम नजर आती है? इसमें प्रॉब्लम ये नजर आती है कि हमें फ्रेजेस तो मिल गए नाउन फ्रेज ये, लेकिन ये नाउन फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है ये हमें नहीं बता रहा फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। हमें वर्ब फ्रेज तो मिल गया, लेकिन वर्ब फ्रेज के अंदर जो नाउन फ्रेज है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है ये हमें डायरेक्टली नहीं बता रहा, हमें इनडायरेक्टली इन्फर करना पड़ता है। तो वर्ड्स के आपस में रिलेशन और वर्ड्स के सेंटेंस में क्या रोल है, वो वाली इंफॉर्मेशन, वो ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन इस पे नहीं होती, क्योंकि कुछ ग्रामेटिकल फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अगर आप नाउन फ्रेज ही देख लें, द ब्राउन फॉक्स, तो अब इन तीनों में से हेड कौन सा है? इस फ्रेज स्ट्रक्चर में ये चीज मौजूद नहीं है। फॉक्स हेड है और दा उसका स्पेसिफायर है और ब्राउन उसका मॉडिफायर है। फॉक्स हेड है और उसके दा और ब्राउन दोनों उसके चाइल्ड है, लेकिन ये इस स्ट्रक्चर में कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये वाली इंफॉर्मेशन के वर्ड्स के दरमियान में रिलेशन क्या है वो फ्रेज स्ट्रक्चर में हमें नहीं मिलती। और जब हम सेंटेंस को प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम वर्ड्स के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं,
तो उस मुकाबले में डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स बेहतर हैं क्योंकि ये वर्ड्स के दरमियान में रिलेशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। जस्ट मैं दोबारा से जो ये स्लाइड हमने पहले देखी थी इस पे दोबारा आ जाता हूँ कि जॉन एट द केक, ये हम देख चुके हैं। इसका फ्रेज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाउन फ्रेज जॉन है और वर्ब फ्रेज एट द केक है। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि वर्ड्स के दरम्यान में क्या रिलेशन है, तो एट का सब्जेक्ट जॉन है और एट का ऑब्जेक्ट द केक है, केक है, और केक का डिटरमाइनर जो है वो द है। तो ये इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि एट का सब्जेक्ट क्या है, एट का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट केक जो है इसका अगर एडजेक्टिव है तो मॉडिफायर है तो वो क्या है, इसके साथ अगर नंबर मॉडिफायर है तो क्या है, एंड सो ऑन। तो हाँ, नॉर्मली इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स भी एक पुरानी थ्योरी है एक तरह से। तो कहते हैं कि पाणिनि ने टैक्सिला में बैठकर जब बिफोर क्राइस्ट में काम किया था तो उसकी थ्योरी भी डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर जैसी थी। भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स पे काम किया, लेकिन पिछले 10-15 साल में कंप्यूटर साइंस वाले डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए और उन्होंने डिफरेंट काम किए। स्टैनफर्ड डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते थे, उसके बाद फिर इस वक्त जो स्टैंडर्ड डिफेक्टो स्टैंडर्ड है वो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज है। यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज अ फ्रेमवर्क फॉर कंसिस्टेंट एनोटेशन ऑफ ग्रामर। तो एनोटेशन ऑफ ग्रामर करना है और कंसिस्टेंट एनोटेशन। कंसिस्टेंट एनोटेशन का मकसद यह है कि मैं उर्दू के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने डिपेंडेंसीज बनाई, उसमें 80% सेम है, कुछ चेंज है। किसी और ने काम किया, उसने जो डिपेंडेंसीज बनाई है, जो उसने जो फ्रेज स्ट्रक्चर भी बनाया, उसमें कुछ चीज़ें सेम है लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है। तो हर एक अपने स्टाइल से चीज़ें काम कर रहा है। इन्होंने ये कह दिया कि दुनिया भर में जो काम करे उसके लिए एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि ये डिपेंडेंसीज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच है जो यूज़ कर लें, ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो यूज़ कर लें, ताकि सब लोगों के डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स कंसिस्टेंट हों। हम उर्दू का पार्स स्ट्रक्चर देख रहे हों या चाइनीज का देख रहे हों या अरबिक का देख रहे हों या इंग्लिश का देख रहे हों, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज एक कॉमन फ्रेमवर्क देखता है कि सब लोग एक उसी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए डिपेंडेंसीज बनाए। जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि इसमें 150 ट्री बैंक्स इन 90 लैंग्वेजेस इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो अच्छी खासी लैंग्वेजेस इस पर आ चुकी हैं। उर्दू पे आ चुका है, सिंधी का मज़हर डॉक्टर मज़हर ने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो सिंधी का तकरीबन 1-1.5 महीना ही हुआ है कि सिंधी भी इसमें आ गई है। लेकिन अभी उर्दू में भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है क्योंकि बहुत कम ट्रीज हैं, और सिंधी में भी गुंजाइश है और दूसरी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में भी है। तो असल मकसद, एक मकसद इस का ये भी है कि हम उर्दू की ग्रामर डिस्कस कर लें, ताकि अगर कोई पंजाबी का या बलोची का बनाना चाहे यूनिवर्सल डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स का ट्री बैंक तो वो आसानी से बना सके, या उर्दू को मॉडिफाई करना चाहे, क्योंकि मेरे ख्याल में उर्दू में भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो आसानी से मॉडिफाई कर सके। अच्छा, यूनिवर्सल डिपेंडेंसी क्या है कि हमने ये कहा था कि एट का सब्जेक्ट जॉन है और एट का ऑब्जेक्ट केक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह ये सारी के सारे डिपेंडेंसीज या रिलेशंस हैं। तो ये कितने रिलेशंस हो सकते हैं? यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज ने उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपके पास नॉमिनल सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनकी मदद ये सारे के सारे रिलेशंस ऐसे हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को मॉडल कर सकते हैं, और दुनिया की जो 90 लैंग्वेजेस पे काम हुआ है वो उन्होंने इनको इस्तेमाल करके आसानी से अपनी लैंग्वेजेस को मॉडल कर लिया। तो हमें बेसिकली इनका ओवरव्यू देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज, तो नेक्स्ट टाइम से जो मैंने बात की थी कि मैं तकरीबन 5 से 15 सेंटेंसेस तक फ्लोट कर दूंगा, आप लोग कोशिश करें कि उनके डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर बना लें, और फिर बाद में हम सेशन में डिस्कस कर लें कि उनके डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स किस तरह होने चाहिए और वो
सेंटेंसेस हम एक दफा एक थीम पर होंगे, जैसे एक दफा नाउन फ्रेज को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, एक दफा जो है वो सेंटेंस टाइप्स को डिटेल में डील कर रहे होंगे, एंड एक दफा हो सकता है कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स को हम डिटेल में डील कर रहे हो, तो उस हिसाब से हम फिर चीजें सीख लेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स के डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वन बाय वन करके देखते हैं। तो अगर बिल्कुल सिंपल बात करें तो लड़की एंड जहीन, इन दोनों में जो रिलेशन है वो एडजेक्टिव मॉडिफायर का है। लड़की हेड है और जहीन उसके चाइल्ड है, और इनमें रिलेशन जो है वो एडजेक्टिव मॉडिफायर। फिर अगर सेंटेंस बड़ा आ जाए, जहीन लड़की आई थी, तो सेंटेंस में जो रूट होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है सेंटेंस में, ये क्लॉज में, वो वर्ब होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वर्ब, आगे जाके हम देखेंगे कि वर्ब को हम रूट भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस रूट जो है वो एक वर्ब होता है। इस वर्ब का सब्जेक्ट लड़की है, और फिर लड़की का एडजेक्टिव मॉडिफायर जहीन है, और फिर इस वर्ब का रूट का ऑक्सिलरी थी इसका ऑक्सिलरी रिलेशन है। तो हमने हर वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बता दिया। आई जो है वो एक तरह का रूट है, उसका सब्जेक्ट लड़की और उसका ऑक्सिलरी थी। अच्छा, लड़की का एडजेक्टिव मॉडिफायर जहीन हो गया। फिर अब इस सेंटेंस को अगर थोड़ा सा और पढ़ें, बढ़ाएं, तो उर्दू में और साउथ एशियन लैंग्वेजेस में केस मार्कर्स मौजूद होते हैं। केस मार्कर्स नॉर्मली ये बात कुछ सेमेंटिक रिलेशंस भी बता रहे होते हैं, लेकिन प्राइमरीली इनका काम ये होता है कि आप ये बता रहे होते हैं कि सब कौन सी चीज़ सब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो प्राइमरीली ये ग्रामेटिकल फंक्शंस को मार्क कर रहे होते हैं। कुछ इनमें सेमेंटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। तो जहीन लड़के ने किताब पढ़ी, जहीन लड़की ने किताब पढ़ी, तो पढ़ी रूट है, इसका सब्जेक्ट लड़की और इसका ऑब्जेक्ट किताब। अब लड़की पर फोकस करें तो लड़की एडजेक्टिव मॉडिफायर जहीन हो गया, और लड़की का केस जो है वो ने हो गया। अच्छा, इसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बात हुई है। लोगों ने एक जमाने में बहुत बहस की है कि पढ़ी को ने के साथ कनेक्ट होना चाहिए था, और हम इसे एक पोस्टपोजिशनल फ्रेज कह देते, या उसे लड़की के साथ कनेक्ट होना चाहिए और हम इसे एक तरह से नाउन फ्रेज के तौर पे डील कर रहे हैं, जिसे फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर में नाउन फ्रेज कहते हैं। तो क्योंकि यूनिवर्सल डिपेंडेंसी कह रही है कि चीजों को पैरेलल रखना है, अगर इंग्लिश में होगा तो द गर्ल रेड अ बुक या रेड द बुक बात होती है। तो इंग्लिश में क्योंकि पोस्टपोजिशनल फ्रेज ये नहीं होता कि वो चीज जाकर केस से जोड़ रही है, सब्जेक्ट जाके केस से जोड़ा है, वो सब्जेक्ट जाके इंग्लिश में अगर द गर्ल रेड अगर हम लिखते, तो रीड या रेड जो है वो जाके सब्जेक्ट जाके कनेक्ट हो रहा होता गर्ल के साथ ही। तो जस्ट एक चीज पैरेलल रखने के लिए फिर हमने कहा कि दूसरी लैंग्वेजेस में भी वर्ब आके हमेशा नाउन के साथ कनेक्ट होगा, और उनके साथ अगर कोई केस मार्कर या पोस्टपोजिशन लगा हुआ है तो वो जो है ना एज अ केस ऑफ नाउन होगा। वरना ये वाली बहुत सारी जगहों पे आप ये देखेंगे वो कहेंगे कि इसे ने के साथ कनेक्ट कर लें, लेकिन फिर वो इंग्लिश के साथ पैरेलल नहीं होगा, या बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ पैरेलल नहीं होगा। पढ़ी यानी कभी वर्ब नाउन के साथ कनेक्ट हो रहा है और कभी वर्ब पोस्टपोजिशन के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इसे जस्ट कंसिस्टेंट करने के लिए ये तय कर लिया कि वर्ब हमेशा नाउन के साथ कनेक्ट होगा, और केस आ रहा है तो वो एक तरह से उसका वर्ब का चाइल्ड है, वर्ब का चाइल्ड नहीं है। अच्छा, अभी तक ये था, ये सिंगल क्लॉज वाली बात थी। सिंगल क्लॉज का मकसद यह है कि इसमें एक वर्ब या एक प्रेडिकेट है पढ़ी, लेकिन हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल क्लॉज आ रहे हो। जहीन लड़की किताब पढ़ने आई, तो जहीन लड़की किताब पढ़ने आई, इसमें दो वर्ब्स हैं या दो प्रेडिकेट्स हैं। पहला वर्ब जो रूट है वो आई है, जिसका सब्जेक्ट जहीन लड़की है, ठीक। उसके बाद
इसका एक और चाइल्ड है जिसको जो किताब पढ़ना है। जहीन लड़की किस पर्पस से आई, वो किताब पढ़ने आई, और उसको हम एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है किताब पढ़ने। जब किताब पढ़ने खुद एक क्लॉज है, तो एक तरह से इसके अंदर एक वर्ब मौजूद है और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट किताब है। तो ये ब्लू में जो है वो एक क्लॉज है जिसके अंदर एक वर्ब या प्रेडिकेट मौजूद है और उसका चाइल्ड किताब है, और ये खुद किताब पढ़ने चाइल्ड है, आई आने आना या आई का, और उस चाइल्ड की टाइप जो है एडवर्बियल क्लॉज है। तो एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस हो सकती हैं, यानी एक चंक ऑफ टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस हो सकती हैं और हम उसे इस तरह से मॉडल कर रहे हैं। तो ये जस्ट आइडिया है, हम इन्हें वन बाय वन और डिटेल में देखेंगे। तो ये आपको आइडिया दे दिया कि इनको, ये जो हमारे पास यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज के रिलेशंस हैं, इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेशन से फिर हम इन्हें डिटेल में देखना शुरू करेंगे कि क्या होगा। अच्छा, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एनोटेट चीज़ों को किस तरह से करें। एनोटेट का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे कंप्यूटर में किस तरह से एंटर करें। ये एक तस्वीर बनी हुई है, इसे आप पेंट ब्रश में बना सकते हैं, इसे आप वर्ड में बना सकते हैं, या बहुत सारे टूल्स में बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको किस तरह से प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए उसे चीज़ें ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चाहिए। यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि इसे नोटपैड में रिप्रेजेंट करके दिखा दें, तो हम इस स्ट्रक्चर को, इस डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर को नोटपैड में या टेक्स्ट पैड में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा काम। तो एनोटेशन का मकसद ये होता है कि टेक्स्ट के साथ उस डिफरेंट फीचर्स, ग्रामेटिकल फीचर्स अटैच कर देना। मेरे पास खाली एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे आप ये एग्जांपल, जहीन लड़कियों ने अच्छी किताबें पढ़ी थी, पढ़ी थी होना चाहिए, नमूना हटा दूंगा मैं। तो इसको एनोटेट करना है, इसके साथ इसकी पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम अटैच करना चाहते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच अटैच कर दें, अगर इसके ग्रामेटिकल फंक्शन अटैच करना चाहते हैं ग्रामेटिकल फंक्शन अटैच कर दें, अगर इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर अटैच करना चाहते हैं तो अटैच कर दें। तो पहले तो लॉजिकल फॉर्म में कि हम क्या क्या चीज़ें इसके साथ एनोटेट करना चाहते हैं वो, और दूसरी बात ये कि फिर उसे रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाए नोट पैड। तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जहीन लड़कियों ने अच्छी किताबें पढ़ी थी। तो इसमें एक लेवल पे हम इसका लेमा रिप्रेजेंट करेंगे, जो लास्ट टाइम हमने कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में देखा था कि लड़कियों की रूट फॉर्म लड़की है, किताबें की रूट फॉर्म किताबें हैं, पढ़ी की रूट फॉर्म पढ़ा है। तो लेमा में इनकी रूट फॉर्म्स रिप्रेजेंट कर दी। फिर इनका पार्ट ऑफ स्पीच के, जहीन का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और लड़कियों का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और थी जो है वो ऑक्सिलरी है। पार्ट ऑफ स्पीच एनोटेट करना चाहेंगे हम। तीसरी चीज, हम इसके बारे में इसके ग्रामेटिकल फीचर्स बताएंगे कि अगर लड़कियों लिखा हुआ है तो जेंडर फेमिनिन, नंबर प्लूरल और फॉर्म ऑब्लिक। लड़कियां भी प्लूरल है और लड़कियों भी प्लूरल है। फर्क यह है कि लड़कियों की ये फॉर्म इसलिए आई है कि ये पोस्ट, इसके बाद एक पोस्टपोजिशन आया नहीं, जहीन लड़कियों ने, तो ये ऑब्लिक फॉर्म में आ गया। अगर जहीन लड़कियां आई होता तो ये नॉमिनेटिव फॉर्म में होता, तो ने की वजह से ये ऑब्लिक फॉर्म में आ गया, तो फॉर्म ऑब्लिक आ गया। इसी तरह से अच्छी की जेंडर फेमिनिन है, नंबर प्लूरल है और इसकी फॉर्म नॉमिनेटिव है, एंड सो ऑन। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिप्रेजेंट करनी है, ये ऊपर देखें से हमें इनके ग्रामेटिकल रिलेशंस रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये हम अब तो कई बार देख चुके हैं, पढ़ें रूट है, उसका ऑब्जेक्ट किताबें हैं और उसका सब्जेक्ट लड़कियों है, और पढ़े का ऑब्जेक्ट जो है ऑक्सिलरी थी है, लड़कियों का एडजेक्टिव मॉडिफायर जहीन है और केस ने है, किताबें का एडजेक्टिव मॉडिफायर अच्छी। ये सारी चीजें, तो ये चीजें हैं जो हम एनोटेट करना चाहते हैं और कंप्यूटर को देना चाहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर को क्यों इनपुट देना चाहते हैं? कंप्यूटर को इनपुट इसलिए देना चाहते हैं कि वो मशीन लर्निंग से ये स्ट्रक्चर्स लर्न कर ले। हम 10,000 सेंटेंसेस के डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स बना के कंप्यूटर को अगर दे दें,
तो कंप्यूटर्स लर्न कर लेगा कि किस तरह किस वर्ड को किस वर्ड्स के साथ अटैच करके उनके दरमियान में ऑब्जेक्ट रिलेशन बनाना है, और किस वर्ड को किस वर्ड के साथ अटैच करके उनके दरमियान सब्जेक्ट रिलेशन बनाना है। तो हमें थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस या थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स अटैच एनोटेट करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देनी होती है, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फिर पार्सिंग करना, ऑटोमेटिक पार्सिंग करना खुद ब खुद सीख जाता है कि आप कोई नया सेंटेंस देंगे तो उसे एनोटेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो आपको एनोटेट करके देगा। तो अब इस एनोटेशन के लिए जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है वो कॉर्नेल फॉर्मेट है। कॉर्नेल फॉर्मेट क्या होता है? कॉर्नेल फॉर्मेट कॉर्नेल जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग एक कॉन्फ्रेंस होती थी, उन्होंने एक फॉर्मेट वो उसी कॉन्फ्रेंस में एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हम वर्ड्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट कॉलम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले कॉलम में वर्ड आईडी होगी, यानी वर्ड नंबर वन, वर्ड नंबर टू, वर्ड नंबर थ्री। सेकेंड में वर्ड होगा, थर्ड में लेमा होगा, चौथे में उसका चौथे पांचवे में पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, छठे में फिर फीचर्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे, और उसके बाद होस्ट और डिपेंडेंसी टाइप, यानी ये किसका चाइल्ड है और डिपेंडेंसी टाइप क्या है। तो अगर छोटा पराठा ले लो, ये हॉटपॉट में रख दो। आंखों से दूर रखो, खुफिया अच्छा जी, तो अब कॉर्नेल फॉर्मेट में वही सेंटेंस अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो पहले कॉलम में वर्ड आईडी आ गई, दूसरे कॉलम में आपके पास वर्ड्स आ गए कि जहीन लड़कियां, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जहीन लड़कियों ने जो सेंटेंस वहां था वही है, जहीन लड़कियों ने। थर्ड में कॉलम आ गया कि लड़कियां या लड़कियों का जो लेमा है वो लड़की है, और किताबें का लेमा किताब है, अच्छी का लेमा अच्छा है। फिर आपके पास दो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, पहले वाले में यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच आता है, तो जहीन एडजेक्टिव है, लड़की नाउन है, ने एडपोजिशन है। दूसरे में ऑप्शन है कि अगर आपकी लैंग्वेज में कोई पार्ट ऑफ स्पीच टैक्सेट चल रहा है और आप उसे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर लें, जैसे ये एडजेक्टिव, ये डबल एन हो गया, ये डबल एन हो गया। तो अक्सर जैसे इंग्लिश में होता है कि पेन ट्री बैंक वाला पार्ट ऑफ स्पीच टैक्सेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। पेंट्री बैंक का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो आप चाहें तो यहाँ रिप्रेजेंट कर लें। तो एक पहले वाले कॉलम में यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच टैग देना लाजमी है, और दूसरे वाले में आप कोई और पार्ट ऑफ स्पीच टैग देना चाहते हैं तो दे दें। फिर उसके बाद चैट में सवाल, अच्छा उसके बाद फिर ये जो आखिरी दो हैं ये बता रहा है कि ये जहीन चाइल्ड है वर्ड नंबर टू का, यानी लड़कियों का, और वर्ड नंबर टू चाइल्ड है वर्ड नंबर सिक्स का। वर्ड नंबर सिक्स क्या? पढ़ने का। इस ये जो ने चाइल्ड है वर्ड नंबर टू का, यानी लड़कियों का। किताबें जो वर्ड नंबर फाइव है वो चाइल्ड है वर्ड नंबर सिक्स का, यानी वर्ड नंबर सिक्स क्या? पढ़ने का। अच्छा, वर्ड नंबर सिक्स को जीरो का चाइल्ड है क्योंकि ये रूट है, तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि कौन किसका चाइल्ड है, और उसके सामने बता रहा है कि डिपेंडेंसी टाइप क्या है, कि जहीन लड़कियां का या लड़कियों का चाइल्ड है और उसकी जो टाइप है वो एडजेक्टिव मॉडिफायर टाइप है। लड़कियां या लड़कियों पढ़ने का चाइल्ड है लेकिन इस चाइल्ड की जो टाइप है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह से सिक्स जो किताबें जो है वो पढ़ने का चाइल्ड है और इसकी टाइप डिपेंडेंसी टाइप ऑब्जेक्ट है। ये जो हमने ट्री में देखा था वो चीज यहाँ रिप्रेजेंट हो गई कॉर्नेल फॉर्मेट में। अच्छा, ये फॉर्मेट हम या तो नोटपैड में बना सकते हैं या फिर इसके लिए डिफरेंट एनोटेशन टूल्स अवेलेबल हैं, जिसे जैसे गेट है, ब्रैट है, वेबेनो है। हो सकता है कि हम वेबेनो देखें कि वेबेनो के जरिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो या तो आप नोटपैड खोलें और ये चीजें टाइप करना शुरू कर दें, या फिर यह है कि आपको पास कोई टूल आ जाए जिसमें आप वर्ड्स को सेलेक्ट करें, अपने ने लड़कियों को सेलेक्ट किया और पढ़े को सेलेक्ट किया और दोनों के दरमियान में एक लिंक बना दिया।